आज दिल याद कर रहा है प्रसिद्ध संगीतकार सुधीर फड़के को। सुधीर फड़के का जन्म 25 जुलाई 1919 को कोल्हापुर में हुआ था। जन्म का नाम राम फड़के रखा गया था। सुधीर फड़के मराठी संगीत जगत के जाने माने संगीतकार थे। इन्हें प्यार से लोग बाबूजी भी कहते थे। इन्होंने क्लासिकल संगीत की शिक्षा वामनराव पाध्य से प्राप्त की। इन्होंने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत 1941 में HMV के साथ की। यहीं इन्होंने अपना नाम राम से बदलकर सुधीर कर लिया था। 5 साल HMV के साथ काम करने के बाद दादा सुधीर फड़के ने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर प्रभात फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली। अपने शुरुआती करियर में सुधीर फड़के ने गोकुल, सीता स्वयंवर, रुक्मणी स्वयंवर, अपराधी और मुरलीवाला जैसी फिल्मों में संगीत दिया। 1951 में आई फिल्म मालती माधव में दिया उनका संगीत बहुत पॉपुलर हुआ। फिल्म में लता मंगेशकर का गाया गीत बांध प्रीति फूल डोर मन लेके चित चोर दूर जाना ना बहुत पसंद किया गया था। आगे 1954 में आई फिल्म पहली तारीख में उनका रचा गीत आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है, आज भी उतना ही पॉपुलर है। गीत के बोल खुश है जमाना आज पहली तारीख है। इस गीत ने तो धूम मचा दी थी। ऑल इंडिया रेडियो पर हर पहली तारीख को यह गीत बजा करता था। इसके अलावा 1961 में आई फिल्म भाभी की चूड़ियां का गीत आज भी श्रोताओं को बहुत मधुर लगता है। गीत के बोल ज्योति कलश छलके। प्यार की जीत, गजगौरी, सजनी, दरार, आगे बढ़ो उनके संगीत से सजी कुछ और उल्लेखनीय फिल्में रहीं। गीत रामायण में रचे 56 गीतों को उनके सर्वश्रेष्ठ कामों में माना जाता है। इन गीतों का प्रसारण 1955 से लगातार 56 हफ्तों तक AIR पर हुआ था। सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो 1963 में सुधीर फड़के को मराठी फिल्म हा माझा मार्ग एकला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी और सह्याद्री स्वर्ण रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका विवाह उनकी साथी गायिका ललिता देउलकर से हुआ था। जाने माने संगीतकार श्रीधर फड़के दादा सुधीर फड़के के ही सुपुत्र हैं। 5 दशक तक हिंदी और मराठी फिल्म जगत में काम करते हुए इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें तकरीबन 20 हिंदी फिल्में थीं। 29 जुलाई 2002 को मुंबई में इस महान संगीतकार का निधन हो गया। आज इस सेगमेंट में दादा सुधीर फड़के को हमने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। 92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।